अब थोड़ी धर्म पे या फिर धर्म लोग पैसे के ऊपर क्यों मरते हैं इतना जो आपको लगे पूछ लो। मैं तो किसी पे भी कुछ भी बोलने को तैयार हूँ। मैं भूल गया तो मैं ही बोलता रहूँगा। कई लोग आते हैं ना, वो लोग उनको मौका नहीं मिलता बोलने का। मैं इतना ज़्यादा बोलता है। ये स्कूल से लेके आई ना, उसकी सहेली को छोड़ देगी। अच्छा फ्रेंड है वो, पहल पीछे बैठी है, पहल के पीछे उसकी फ्रेंड होगी। अब उसको घर छोड़ के लिए। मैं पिछले बार जब आया था आप थे नहीं, मैं यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा था बच्चों के साथ। अच्छा कहाँ पे वो? नेट के अंदर। नेट के अंदर। अच्छा अच्छा तो मिनिमलिज्म का क्या बताते हो? मिनिमलिज्म मतलब न्यूनतमवाद। वही न्यूनतमवाद का मतलब क्या है कि जितनी जरूरत है उतना पैसा कमाओ और वर्तमान में जियो। मतलब अननेसेसरी आप कचरा ना इकट्ठा करो। मतलब अगर आपका काम, मान लो आप ये टी शर्ट में कंफर्टेबल हो, तो आपने ये टी शर्ट खरीद ली। अब आप ये टी शर्ट मान लो भले ही 200 रुपये की सही, पर क्या होता है कि आपने खरीद ली 200 रुपये की टी शर्ट, आप कंफर्टेबल हो, ये न्यूनतमवाद है। अब आपका काम 200 रुपये में चल सकता है, आपके पास 200 रुपये भी है, मतलब है तो पैसे ज़्यादा, पर आपको 200 रुपये की टी शर्ट कंफर्टेबल है, पर आप फिर भी जाकर 2000 की इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि ब्रांड नहीं है, ब्रांड नहीं है, या लोगों को चमकाना है, या आपके दोस्त ने 1500 वाली खरीदी तो आपको 2000 वाली खरीदनी है। तो ये मैक्सिमलिज्म है। मिनिमलिज्म का मतलब ही ये हुआ कि जितनी जरूरत है उतना कमाओ, उतना ही खर्च करो। अगर कोई काम आपका 2 रुपये में चल सकता है तो आप जबरदस्ती उस पर। लेकिन इसमें एक सवाल आता है कि बाई चांस एमरजेंसी में जरूरत पड़ गई। ये सवाल नहीं है, ये डर है। डर है। हिंदुस्तान में किसी भी आदमी से पूछ लो कि भाई तू अपनी जरूरत से ज़्यादा पैसा क्यों कमा रहा है, उसके पास यही जवाब होगा, अगर एमरजेंसी में जरूरत पड़ गई। वो एमरजेंसी में जरूरत जिंदगी में नहीं पड़ने वाली, या अगर पड़ भी जाती है तो मैं कहता हूँ कि कितने की पड़ेगी, कितने पैसे जमा किए? वो मान लो कहता है मैंने तो 1,00,000 रुपये जमा किए हैं। काय के लिए जमा किए हैं फालतू? कहेगा एमरजेंसी के लिए किए हैं। मैं पूछूंगा यार एमरजेंसी की अगर तेरे को 20 लाख की जरूरत पड़ गई तो क्या करेगा? तो कहेगा कि यार 20 लाख की जरूरत पड़ गई ना तो मैं 10 लाख का इंतजाम करूंगा। तो मैंने कहा जो तू 10 लाख का इंतजाम करेगा मैं 20 लाख का करूंगा। मतलब भविष्य में, अच्छा भविष्य में एमरजेंसी पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी इसकी परसेंटेज कितनी है? 50-50 तो होगी है ना। तो जो 50% एमरजेंसी पड़ सकती है और 50% हो सकता है ना पड़े, उसके लिए मैं प्रेजेंट का 100% क्यों खराब करूं? ये तो घाटे का सौदा है। ये तो है कि 50% एक्सपेक्टेशंस के लिए आप 100% प्रेजेंट खराब कर रहे हो, तो लॉजिक ही गलत है। और इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कल सुबह मेरे को रोटी, मेरे घर में आटा नहीं है 15 दिन के लिए, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आप ये कहोगे अच्छा तो आप वर्तमान में जीने की बात कर रहे हो तो कल सुबह के लिए आपने घर में दूध क्यों रखा है? ये लो IQ लेवल के ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मिनिमलिज्म का ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपने सपने या शौक ना पूरे करो। कई लोगों ने बोला जब मैं बैंक को गया था, अच्छा मिनिमलिज्म की बात करते हो आप, न्यूनतमवाद की, आप तो फ्लाइट में घूम रहे हो इसमें लिए पैसा चाहिए, आप थाईलैंड में महीना भर रह के आए हो इसके लिए पैसा चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि न्यूनतमवाद का मतलब ये थोड़ी कि आदमी मरमर के जिएगा, नमक के साथ रोटी खाएगा, अपने शौक नहीं पूरे करेगा। न्यूनतमवादी व्यक्ति जरूरत पड़ने पर बहुत लोगों से ज़्यादा पैसा भी खर्च कर सकता है, जरूरत पड़ने पर। हमने बात, हमारी न्यूनतमवाद की डेफिनेशन ही है ये, जरूरत, जरूरत से ज़्यादा नहीं कमाना और जरूरत पड़ने पर जितना मर्जी खर्च करना। अब इसके बीच में एक छोटा सा एक ब्रिज आता है जो लोगों को कन्फ्यूज करता है कि अगर जरूरत पड़ने पर ज़्यादा खर्च करना है तो उसके लिए पैसा पहले कमाना पड़ेगा। आप भविष्य के नाम पर रोज के 10 रुपये जमा कर रहे हो, मान लो आपको लगता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, कि आप भविष्य के नाम पर रोज का 1,000 रुपये जमा कर रहे हो कि यार कभी भविष्य में 1-2 लाख की जरूरत पड़ गई तो पैसा होना चाहिए, तो मैं 1,000 रुपये रोज का जमा करता हूँ। आपने 1,000 रुपये रोज का जमा किया, महीने का 30,000 हो गया, 3 महीने 100 दिन बाद वो 1 लाख हो गया कि एमरजेंसी में 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी तो मैं खर्च कर लूँगा। अब इस 1,000 रुपये को जमा करने के लिए आपने वर्तमान के एंजॉयमेंट को खराब कर दिया, वर्तमान में आपने स्ट्रेस में रहे, अपनी नैतिकता के साथ समझौता किया क्योंकि आपको भविष्य के लिए पैसा जमा करना है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ेंगे, है ना। अब आती है कहानी कि लोग ये कह रहे हैं कि इसका मतलब कि हम जमा नहीं करें। मैंने बोला ही नहीं कि आपको 1,000 जमा नहीं करना भविष्य के लिए, पर वो टारगेट नहीं होना चाहिए। मान लो मैं बढ़िया अपना, मैं वर्तमान में जी रहा हूँ और मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ, डेडिकेशन के साथ कर रहा हूँ,
कंसंट्रेशन के साथ कर रहा हूँ, अपनी काबिलियत को रोज़ बढ़ा रहा हूँ, उसकी वजह से हो क्या रहा है कि मेरा खर्चा है रोज़ का 500 रुपये का और मेरे पास आ रहे हैं 1500 रुपये। क्यों आ रहे हैं 1500 रुपये? क्योंकि मैं ज़्यादा काबिलियत डेवलप कर ली। अब 500 का खर्चा है, 1500 आ रहा है, तो वो 1000 रुपये का मैं क्या करूँगा? वो पड़ा रहेगा कहीं ना कहीं। अब ऑटोमेटिकली 100 दिन बाद 1,00,000 रुपया हो जाएगा। वहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आप इंटेंशनली 1000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के लिए अपनी काबिलियत पे तो फोकस नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस में रह रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? उल्टे सीधे हथकंडे अपना रहे हो, बेईमानी, रिश्वतखोरी, हेरा फेरी, झूठ बोलना, जबरदस्ती में ज़्यादा मेहनत करना, 9 to 5 12 घंटे काम करना, मतलब जबरदस्ती। दोनों ही सूरतों में 1000 रुपये रोज जुड़ रहा है। ऐसा थोड़ी कि मेरे पास भविष्य के लिए पैसा नहीं है, मैं ऐसे ही हवा में घूम के आ रहा हूँ सिंगापुर वगैरह में, लाखों रुपये खर्च कर रहा हूँ। केवल सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक आप हंसते गाते सफर तय कर सकते हो, लाख रुपए जमा कर सकते हो, एक आप सिर्फ जिंदगी लाख रुपए जमा करने के लिए जियो। ये डिफरेंस है। लोगों को लगता है कि मेरे को कल समस्या आ जाएगी तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे। अरे मैंने कहा यार ये हो सकता है, पर थोड़ा तो दिमाग लगाओगे यार। एक आदमी के पास थोड़ा सा आईक्यू लेवल है, वो इतना बेवकूफ हो सकता है कि कल को मेरे को कोई दिक्कत आ जाए तो मैं क्या लोगों से कटोरा लेके जाऊंगा मांग लो? पर लोगों को ये लगता है। मैं कह रहा हूँ कि सेविंग करो, फ्यूचर के लिए भी पैसा जमा करो, प्लानिंग भी करो, सब कुछ करो, पर वो आपका गोल नहीं होना चाहिए। गोल नहीं होना चाहिए, वो आप प्रेजेंट में जीते हुए बिना काउंट किए हुए भी कर सकते हो। तो लाइफ में कोई गोल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए लाइफ में गोल ही नहीं होना चाहिए। गोल होना एक मानसिक रोग है। ओके, गोल की समस्या क्या है?